यहाँ पे बन रहा है अंडे का ऑमलेट, हस्बैंड के हाथ का। अंडा घोटाला, अंडा घोटाला ऑमलेट को ही बोलते हैं। नहीं नहीं घोटाला अलग चीज़ है, ऑमलेट अलग चीज़ है। ऑमलेट तो वो होता है ना, मैं अंडा घोटाला बनाऊंगा जो चूर वाला अंडा होता है ना। अच्छा, जो चूर चूर करके थोड़ा सा बनाते हैं ना, घोटाला टाइप का होता है वो। हम लोग देसी दवा में उसको बाहर होटल में बोलते हैं घोटाला। पता है, मैं तो पहली दफ़ा सुना है। चलें जो भी होगा खा के देखेंगे कैसा है, टेस्ट ही बनता नहीं बनता है। जबरदस्त बनेगा और थोड़ा सा मीठा वाला होगा। अभी इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें मैंने जो है वो प्याज काट के डाल दी है, और टमाटर भी डाल दिया है, और हरी मिर्ची भी डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया है, और जो है उसमें मज़ीद और कोई गुंजाइश है नहीं इसमें डालने की। काली मिर्चे, काली मिर्चे डालूंगा, लाल मिर्चे, हाँ वो डालनी है, लाल मिर्चे थोड़ी सी डाल देंगे। नहीं लाल मिर्चों की ज़रूरत नहीं है, नहीं मज़े का टेस्ट आता है। लाल लाल पिसी भी डालें या फिर कुटी भी? कुटी भी डाल देते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। हाँ थोड़ी सी, लेकिन हज़े जाएगा ना। हाँ टेस्ट के लिए ना, और काली मिर्चे पिसी हुई वो भी डालेंगे इसमें। हाँ चलें फिर देखते हैं रेडी होने के बाद इसका टेस्ट कैसा होता है, फिर आपको भी दिखाते हैं। चलिए बेहतरीन तरीके से देखें, इसको बोलते हैं अंडा घोटाला। छोड़ दिया मैंने, साबुत बनेगा ये बोल। नहीं नहीं जब तक मैं कह रहा हूँ अंडा घोटाला बना, घोटाला मतलब घोट देना, इसका गला घोट देना है, ये समझ लो अंडा घोटाला, दैट इज कॉल्ड अंडा घोटाला। ठीक है चले, इसको खा के हम आपको बताएंगे टेस्ट में कैसा बना है। बाकी यहाँ पे बना रही हूँ मैं स्ट्रॉबेरी का शेक, थोड़ी सी गर्मी गर्मी सी लग रही है, और ख़ास होकर ठंड में तो वैसे भी दिल चाहता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का पीने का। भाई ये देखें ये शक्ल आई अंडे घोटाले की, अब आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसा लग रहा है ये। घोटाला नहीं घोटाला, घोटाला नहीं घोटाला। अच्छा ये साथ में ये रोटी है, इस रोटी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे खुबूस। खुबूस, ये खुबूस लेकर आया हूँ, वाइट अरबिक ब्रेड है ये, इसको हम बोलेंगे खुबूस। चलें खा के बताएं आप कैसा है इसमें, कैसा है उधर आरिस? मैं पार्ट में खा लूँगा इसको, डर तो मैं पार्ट में खा लूँगा। कैसा है? अच्छा है, टेस्टी है। बनाया नहीं बाबा ने, अभी अंडा तो बाबा ने बनाया ना ये। अच्छा मज़े का है, मज़े का, लेकिन किसी चीज़ की कमी है, मिर्चे कम है, नमक कम लग रहा ना? नहीं सही। अच्छा है इब्राहिम, आप खाएं शाबाश, खाएं खा के बताएं। अच्छा खा के बताएं कैसा बना है, खाएं। Many hours later, क्यों पहले तो नहीं थी यहाँ पे पार्किंग? ओ अल्लाह दी अलमाइटी, अल्लाह अल्लाह प्रोटेक्ट मी एंड गाइड मी, अल्लाह अल्लाह टू योर लव एंड मर्सी, अल्लाह या अल्लाह डोंट डिप्राइव मी, please. ये अभी हम लोग आए हैं मैकडॉनल्ड के कौन खाने के लिए। मौसम में दिल चाह रहा था ठंडा ठंडा खाने का, मैंने कहा चलो आज वीकेंड भी है आइसक्रीम खा लेते हैं। बस अभी टेक अवे की लाइन में लगे हैं, साथ में वो थे में इसके मैकडॉनल्ड के बराबर में फ्रेम बना हुआ है ना, इधर ही तो होती है लेडीज ज्यादा अंदर, ये किचन है। ये देखो ये बात कर रहा हूँ सर, ये फिलीपीन है, ये ऑर्डर ले रहा है, ये ऑर्डर लेने वाला है, ये फिलीपीन है, ये ऑर्डर ले रहा है। तो कान में ही माइक लगा हुआ है फिर भी। हाँ
और जी ऑर्डर भी ले रहे हैं और ये वैसे पैकिंग लेडीज ऐसी खड़ी हुई है, इनका कोई काम नहीं होता, कहीं पर भी इनको लगा दो बस चलते फिरते रहेंगे। कौन आ गई है? ये आ गई है हम लोगों की। कौन तेरी गाड़ी नंगा है? आइसक्रीम मिल गई मेरे बेटे को? कैसी है? बहुत मजे की, यमी यमी। मेरे मजाक कर दे तो वो मुझे तो नजर नहीं होया। थोड़ी नोजी हो रही है आपको? नहीं। और अब ये आइसक्रीम के बाद आप क्या समझे? आइसक्रीम के बाद जब ज्यादा नोजी होगी तो फिर क्या होगा? आप क्या समझे? क्या मैं मजाक आइसक्रीम का बोल लूं? और क्या जो है वही समझे हैं? मुझे नोजी ज्यादा होगी। ज्यादा नहीं होया। हो रहा है? देखें आवाज़ आपकी कैसी हो रही है, नज़ले से हो रहा है आपको नज़लों हैं? जो नोज़ी से अब आइसक्रीम से नोज़ी और जो और होगी ज़्यादा फिर क्या करेंगे? अच्छे जब हमको नज़ला होता है फिर आइसक्रीम खाते फिर क्या होता है? और हो जाता है नज़ला। अच्छा तो अब आप ना ये मामा के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? पूरी नहीं खाया, बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे बाबा भी आइसक्रीम खा रहे हैं मजे से। खाली मैं एक खाऊंगा। ये है चिकन टिक्का, ये मैंने घर में बनाया खुद ही, साथ में इसकी चटनी बनाई है इमली वाली वाले, साथ में सारे बना लिए और ये रोटी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और ये है मेरी आज तक की रूटीन, आप लोग बताइएगा कि मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी मेरा ब्लॉग, और आगे जो जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और मैं इंशाल्लाह जो है तबुक में नई नई चीज़ें सर्च कर रही हूँ, आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, विज़िट करूँगी ख़ुद भी और आप लोगों को भी अपने ब्लॉग्स में करवाऊँगी। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स लाजमी देखने पड़ेंगे और मेरे व्लॉग्स एंड तक देखा करें, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। और आई होप आप लोग मेरे व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं क्योंकि जिस तरह से मुझे कोई कमेंट्स नहीं आते, आप लोग मुझे कमेंट्स करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे हेल्प करें। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग में।